वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस डार्क डिजायर। ये सीरीज एक थ्रिलर ड्रामा है। इस कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव हैं। 18 एपिसोड की ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, जबकि उसके सामने एक एम्बुलेंस है। उसी औरत के घर से इस डेड बॉडी को निकाल के ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही इस घर के स्विमिंग पूल में चारों तरफ जाँच की जा रही है। यहाँ फोरेंसिक टीम भी पहुंची है, पर वास्तव में हुआ क्या है ये जानने के लिए कहानी 6 हफ्ते पीछे जाती है। ये एल्मा है जो अपनी दोस्त नैन्सी से बात कर रही है। एक सेमिनार के सिलसिले में उसकी बात हो रही है। इसके बाद वो अपनी बेटी जॉय के पास जाती है ये बताने के लिए कि वो निकल रही है। जॉय अक्सर कंप्यूटर पर मेमेंटो मोरी, क्वीन विक्टोरिया के समय की तस्वीरें देखती रहती है। एल्मा ने कहा, तुम्हें ये सब तस्वीरें क्यों पसंद आती हैं? जॉय ने कहा, माँ मुझे ये सब पसंद है, आप नहीं समझोगी। आप इन्हें गौर से देखो, ये मरे हुए हैं। आंखें हैं पर कहीं देख नहीं रही हैं, आत्मा नहीं है, बस निर्जीव शरीर है। एल्मा ने कहा, मुझे ये सब घिनौना लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल की जनरेशन मरे हुए लोगों को इतना आकर्षक क्यों समझती है। जॉय ने कहा, आपको मालूम नहीं पर मैं एक फोरेंसिक डॉक्टर बनूंगी। एल्मा यहाँ से चली गई। जाते हुए अपने पति लियोनार्डो के पास भी गई। वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। एल्मा ने पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? लियोनार्डो ने बताया कि वो इस्तेबान से बातें कर रहा था। एल्मा को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। इसके बाद वो पहुंची है अपनी एक सहेली के पास। एल्मा ने कहा, मुझे लगता है लियोनार्डो मुझे धोखा दे रहा है। उसकी सहेली ने कहा, वो इतना फेमस जज, भला वो भी चीट कर सकता है, ऐसे में कानून का क्या होगा? एल्मा की ये सहेली ब्रेंडा बड़ी मजाकिया है, अक्सर चीज़ों को हंसी मजाक में उड़ा देती है। एल्मा ने कहा, ये मजाक की बात नहीं है ब्रेंडा। ब्रेंडा ने आगे भी कहा, तुम्हें मालूम है ये मर्द बड़े कमीने होते हैं, इन्हें अपनी पकड़ में ना रखो तो हाथ से निकल जाते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, रॉबर्टो ने जो मुझे एक भद्दी औरत के लिए छोड़ा था, मुझसे ज़्यादा बूढ़ी औरत के लिए। एल्मा ने कहा, लियोनार्डो की सेक्रेटरी एडिथ तो जवान है, खूबसूरत और इंटेलिजेंट भी। मैं उसे ठीक से नहीं जानती, पर वो उन लड़कियों जैसी है जो हमेशा विनम्र और सचेत रहती हैं। ब्रेंडा ने कहा, खैर अब हम क्रूज़ पर जा रहे हैं, 7 दिन 6 रातें कैरिबियन समंदर में। यहाँ तुम्हें कोई ऐसा मिल सकता है जो तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। एल्मा ने कहा, मैं ऐसा कोई ढूंढ नहीं रही, मुझे अपने सेमिनार पर फोकस करना है। इसके बाद ब्रेंडा एल्मा को लिए पार्टी में पहुंची है। इधर जॉय इस्तेबान से मिलने पहुंची है। इस्तेबान लियोनार्डो का भाई है। वो अपने भाई जो कि यहाँ का मशहूर जज है बड़ी रिस्पेक्ट करता है। इस्तेबान खुद क्या करता है ये भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। जब जॉय ने कहा कि उसके पिता लियोनार्डो का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, तब इस्तेबान को यकीन नहीं हुआ। उधर लियोनार्डो अपनी सेक्रेटरी एडिथ के साथ ड्रिंक ले रहे हैं, और इधर पार्टी में एल्मा को एक शख्स ने देखना शुरू किया। उसे देखते ही वो उसे देखता रह गया। एल्मा इस पार्टी में बोर हो रही थी। जब वो बाहर निकली तब वो शख्स वाइन लिए उसके पास पहुंचा। उसने कहा, मेरा नाम दारियो है, मैंने जब इस पार्टी में तुम्हें देखा तब देखता रह गया, क्या मैं तुमसे कुछ समय बात कर सकता हूँ? एल्मा इस पर मुस्कुरा बैठी। दारियो की क्या सच्चाई है, वो वास्तव में कौन है, ये अभी एक राज है। यहाँ बातों बातों में एल्मा ने बताया, मैं मकानों, ऑफिसों, फ्लैटों को खरीदती और बेचती हूँ। इतने में ब्रेंडा मिलने आई और गाड़ी की चाबी लेकर घर चली गई। एल्मा दारियो के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई। जॉय इस्तेबान से कह रही है, आप हमेशा सड़क पर घूमते लोगों को शक की नज़रों से देखते हैं, आपके जैसा क्रिमिनोलॉजिस्ट यानी अपराध विज्ञानी मिलना मुश्किल है। इधर डांस करते हुए दारियो और एल्मा बेहद करीब आ गए। ये पास के एक होटल में गए, यहाँ दोनों हमबिस्तर हुए। पर इन सब के बाद एल्मा ने कहा, मैं अब तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, जो था बस यहीं तक था। दारियो को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। एल्मा वापस अपने सहेली के घर आ गई है। यहाँ उसने दारियो के साथ गुजारे वक्त के बारे में बताया। ब्रेंडा बड़ी एक्साइटेड है इन सब को लेकर। एल्मा ने कहा, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गई थी। इन सब के बाद एल्मा वापस जाने लगी है। इन दोनों ने प्लान किया है कि ये जल्द अपना टूर एक साथ प्लान करेंगे। एल्मा जाते वक्त बार बार दारियो के बारे में सोच रही है। उसने उससे कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिया। इधर लियोनार्डो मिला है इस्तेबान से। उसने कहा, मुझे लगता है एल्मा कभी भी मेरे बारे में पता लगा लेगी। इस्तेबान ने कहा, जब तक एडिथ अपना मुंह ना खोले सब ठीक रहेगा। इतने में एल्मा वापस आ गई है। यहाँ सब ने एक दूसरे का हालचाल लिया। अपने देवर को अचानक से अपने घर में देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा दोनों आपस में ज़रूर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जब वो जॉय के कमरे में गई तब उसने देखा कि जॉय कोई आर्टिकल पढ़ रही है, क्रॉनिकल्स ऑफ द रेड नोट इन मैक्सिको। जॉय ने कहा, मैं अपने चाचा इस्तेबान के साथ मुर्दा घर जाने की सोच रही हूँ, कुछ फ़ोटो भी खींचूंगी।
इस बार एल्मा ने भी अपनी बेटी को इजाज़त दे दी है। इन सब के बाद एल्मा अपने सेमिनार की तैयारी में व्यस्त हो गई। एल्मा जब सो रही थी तब उसे सपना आया कि वो दारियो के साथ है एक स्विमिंग पूल में, पर तभी लियोनार्डो ने उन्हें देख लिया और दारियो को गोली मार दिया। इस सपने ने एल्मा को डरा दिया है। आज सुबह तैयार होकर एल्मा अपने सेमिनार में पहुंची है। यहाँ वो औरतों की जो खरीद फरोख्त होती है वेश्यावृत्ति में, उस पर लेक्चर दे रही है। वो कह रही है कि कितनी महिलाओं को अज्ञात पुरुषों द्वारा मार दिया जाता है। उसने कहा, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में रोज़ 9 महिलाएं मरती हैं, हर 2.5 घंटे में एक। जब वो ये सब कह रही थी तभी हमें एक बाथटब में लाश दिखाई जाती है। इधर जैसे ही वो आगे बताना शुरू करती है, उसकी क्लास में दारियो आया है एज अ स्टूडेंट। एल्मा को ये सब देखकर हैरानी हुई है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे पब्लिश किया है। इस कहानी में बहुत से सस्पेंस हैं। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, उसी के बेसिस पर हम आगे इसे पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।